नमस्कार, सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सर, अभी अभी हमें खबरें आई कि विदर्भ में कौन कितने आगे है। भाजपा 26 से, शिवसेना 7 से, कांग्रेस 16 से, राष्ट्रवादी 4 से, अपक्ष 7, वंचित 1 और पूरे जगह मिलके 62 जगह है। साक्षी भाई, तुमको बीच में रोक रहा हूँ। जैसे कि स्वतंत्र भारत पक्ष, तो मुझे लग रहा है शायद ये राजूरा की सीट के बारे में हो सकता है, क्योंकि वहाँ से पूर्व विधायक वामनराव चटप चुनाव लड़ रहे हैं और ये शायद वहाँ से आगे चल रहे हैं। बाकी सिलसिलेवार हम पूरी जानकारी आपको हम देंगे। सर, अब चलते हैं वरुड़ा विधानसभा की ओर, जहां पर कांग्रेस के एकमात्र सांसद बाळू धानोरकर, जो कि पूरे राज्य के एकमात्र कांग्रेसी सांसद है, उनकी पत्नी प्रतिभा धानोरकर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। और वही जो खबरें हमारे पास आ रही है कि इस समय उनकी टक्कर भाजपा शिवसेना उम्मीदवार संजय देवतले से चल रही है और लगातार कभी ये आगे तो कभी वो आगे चल रही है। तो सर, आपको इस समय क्या लग रहा है? साक्षी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक प्रकार ये जो सीट है वर्रा विधानसभा, स्वयं सांसद बाळू धानोरकर के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठा वाली सीट है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। और एक ऐसे समय, हालांकि उनकी उम्मीदवारी को लेकर एक प्रकार से थोड़ा सा विरोध भी हुआ, वही कारण है कि विरोध स्वरूप जो कांग्रेस के वहाँ के पुराने नेता हैं विजय देवतड़े, वह उनके खिलाफ उन्होंने एक प्रकार से विद्रोह का बिगुल फूका और इस समय वो विद्रोही उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं। और वर्रा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर घटनाक्रम इतनी तेजी से यहाँ पर बदले इस वर्रा विधानसभा, यानी कि एक समय एक दूसरे के जो प्रतिस्पर्धी थे वहां पर संजय देवतड़े, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, उन्होंने विधानसभा का चुनाव उन्होंने गवाया, लोकसभा का चुनाव उन्होंने कांग्रेस की ओर से लड़ा, और समीकरण को देखते हुए बाद में जब भाजपा और सेना की युति हुई तब जो संजय देवतड़े हैं वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। और आयन समय में जब ये सीट जब शिवसेना के कोटे में गई तो आयन समय, हालांकि मनोहर पाउनकर, मैं आपको बताना चाहूँगी, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी शिवसेना में प्रवेश किया। उनकी भी एक सपना था कि वहाँ से शिवसेना की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आयन मौके पर वहाँ से संजय देवतड़े भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके राम राम बोलकर शिवसेना में चले गए और शिवसेना की तरफ से उनको उम्मीदवारी दी गई। तो इस समय जो स्थिति यहाँ पर चल रही काफ़ी कड़ी टक्कर, हालांकि जो आंकड़े भी बता रहे हैं कि दोनों में काफ़ी कड़ा मुकाबला आ रहा है, लगातार हम पल पल की खबर दे, तो यहाँ सीधा एक प्रकार से मुकाबला प्रतिभा धानोरकर और पूर्व मंत्री संजय देवतड़े के बीच में चल रहा है और अब देखना है कि आगे क्या होता है। हालांकि अभी स्थिति ये चल रही कि दोनों में काफ़ी कड़ा मुकाबला चल रहा है। सर, चिमूर विधानसभा, जहां पर भी काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और इस समय वर्तमान विधायक बंटी भांगड़िया तथा पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सतीश वारजुरकर के बीच चल रही है। सर, यहां पर वैसे ही स्थिति है जैसे वरुड़ा में आगे पीछे वाली स्थिति चल रही है, तो सर चिमूर विधानसभा पर आपका क्या कहेंगे? देखिए साक्षी, आपने सही सवाल किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिमूर विधानसभा की भी स्थिति कुछ एक प्रकार से देखा जाए तो वरुड़ा विधानसभा की है, क्योंकि वहां पर कुछ जो उनके पदाधिकारी है उन्होंने अपने एक प्रकार से अपने ही जो पार्टी के जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ उन्होंने बागी रुख अख्तियार करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा कि वर्रा विधानसभा में डॉक्टर विजय देवतले, तो यहाँ पर एक जो तीसरा एंगल जो यहाँ पर बात चल रही है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के युद्ध के उम्मीदवार वर्तमान विधायक बंटी भांगड़िया और कांग्रेस के सतीश वारजुरकर के बीच मुकाबला चला, लेकिन जो तीसरा कौन जो बना रहे हैं वो धनराज मुंगले के बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ। सभी को पता ही है कि धनराज मुंगले भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने वहाँ के नेता हैं और वो इस बार उन्होंने काफ़ी उम्मीद की थी कि शायद उन्हें इस बार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन मौके पर से एक बार फिर वर्तमान विधायक बंटी भांगड़िया को टिकट दी गई और इसके कारण उन्होंने एक प्रकार से विद्रोह के सुर उन्होंने एक बार फिर यहाँ पर शुरू किए और वो इस समय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। और इस प्रकार इस विधानसभा में भी एक प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण, जिसे कहते हैं कि वोट बट रहे हैं आपस में, यही कारण है कि सीधी सीधी अब लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही। उसका कारण एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो धनराज मुंगले के पीछे भी एक समर्थन है, लेकिन पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी के बीच में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बंटी भांगड़िया और सतीश वारजुरकर के बीच मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। अब क्या परिणाम होगा ये तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन जो अभी आंकड़े जो बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी दोनों के बीच में एकदम समान टक्कर चल रही समय। साक्षी,
ब्रह्मपुरी विधानसभा जहां पर इस समय विरोधी पक्ष नेता वर्तमान विधायक विजय वड़ट्टीवार बढ़त बनाए हुए हैं, जिनका मुकाबला शिवसेना युति के उम्मीदवार संदीप गड्डम्बर से चल रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है इस चुनावी दंगल में क्या होगा? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो ताजा तरीन हमारे पास जो नतीजा है वह ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के 12वें राउंड का यहाँ पर हमारे पास आया है और उसके मुताबिक इस समय 12,986 मतों से इस समय विजय वड़ट्टीवार आगे चल रहे हैं। और इस समय जो स्थिति है कि बढ़त अभी भी, जैसा कि आपने कहा कि विजय वड़ट्टीवार अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं, तो वही स्थिति अभी कि 12वें राउंड का भी अभी रिजल्ट हमारे पास में है। और जैसा कि अगर इस विधानसभा पर हम अगर प्रकाश डालें साक्षी, तो ब्रह्मपुरी विधानसभा, जैसा कि आज विजय वड़ट्टीवार, जिस प्रकार से मैंने सुधीर मुनगंटीवार के बारे में कहा था कि आज विजय वड़ट्टीवार भी कांग्रेस में एक प्रकार से उनका कद काफ़ी बड़ा है और विरोधी पक्ष के नेता भी हैं। और पहले चिमूर विधानसभा से वो विधायक थे, उसके बाद वो ब्रह्मपुरी विधानसभा की ओर रुख किए और वर्तमान में वहाँ के विधायक हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस को एकमात्र सांसद बाड़ू धानोरकर को जीत दिलाने में विजय वड़ट्टीवार का भी काफ़ी, यानी कह सकते हैं कि उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। और विजय वड़ट्टीवार का जिस प्रकार से कद बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मपुरी विधानसभा के लिए एक प्रकार से जो स्थिति, और उनके खिलाफ जो उनका जो मुकाबला इस समय हो रहा है संदीप गड्डम्बर, संदीप गड्डम्बर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूर्व मंत्री वामन राव गड्डम्बर के बेटे हैं, एक जिनका काफ़ी पूरे राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा कद था। और उन और संदीप गड्डम्बर जो एक समय कांग्रेस में थे, बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी थे, तो वही समीकरण यहाँ भी हुआ कि जब उन्हें चुनाव लड़ना था तो एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस को 2 सीटों की मांग की गई थी कि चंद्रपुर जिले की 2 सीटों में राष्ट्रवादी कांग्रेस को दिया जाए कम से कम, लेकिन जब कांग्रेस और राका की जब युति हुई तो सीटें उन्हें नहीं मिली राष्ट्रवादी कांग्रेस की। तो संदीप गड्डम्बर ने फिर पाला बदला और शिवसेना का उन्होंने दामन थामा, शिवसेना का दामन थामा और इस समय शिवसेना की ओर से उन्हें उम्मीदवारी दी गई। और अभी नतीजा ये है कि इस समय विजय वड़ट्टीवार और हम पर आगे चल रहे हैं। सर, राजुरा विधानसभा जहां पर वर्तमान विधायक के साथ भूतपूर्व विधायक के बीच मुकाबला चल रहा है, आपको क्या लगता है सर इस विधानसभा क्षेत्र से क्या होगा? देखिए, इस समय एक बार फिर मैं हमारे जो दर्शक उनको मैं बताना चाहता हूँ, अभी भी हमारे पास जो परिणाम यहाँ पर आ रहे हैं 12वें राउंड के हमारे पास जो परिणाम यहाँ पर आए हैं उसके मुताबिक जो अभी तक जो वोट अभी तक जो मिले हैं उसमें संजय धोटे जो वर्तमान अभी विधायक हैं उन्हें 22,120 वोट मिले हैं और सुभाष धोटे जो कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं 28,251 सुभाष धोटे को मिले हैं। वामनराव चटप जो 33,820 वोट उन्हें मिले हैं और जो तीसरा जो हम कह सकते हैं कि चौथे जो उम्मीदवार हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के जो गोंद्रू पाटिल जुमना के, उन्हें 16,825 वोट मिले हैं। और इस प्रकार जो जो स्थिति यहाँ पर है वो वामनराव चटप, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि स्वतंत्र भारत पक्ष जो पूरे विदर्भ में जो एक सीट मैंने कहा था यही सीट है, और इस समय 5,569 वोटों से इस समय वामनराव चटप जो पूर्व विधायक, जैसा कि हमने कहा था कि ये आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि वर्तमान विधायक तथा 2 भूतपूर्व विधायक, एक संजय धोटे और सुभाष धोटे और वामनराव चटप, तो इस समय स्थिति ऐसी है कि शेतकरी संगठन के स्वतंत्र भारत पक्ष के इस समय बढ़त बनाए हुए, हालांकि अभी ये 12वें राउंड का ये नतीजा है, अब देखना आगे क्या होता है। साक्षी, जैसा कि हमारे साथ में साक्षी कुंडलकर इस समय यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीटीवी को आप लोगों ने काफ़ी सराहा है और विधानसभा के जो हर उम्मीदवारों के जीत तक का ये जो सफ़र है तब तक हम खबरें आप तक लगातार प्रकाशित करते रहेंगे पूरे चंद्रपुर जिले की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं। और इस समय हमारी पूरी टीम जो इस समय स्टूडियो में मौजूद है, हमारे तंत्र निदेशक शैलेश गणवीर और साथ में हमारे जो रिपोर्टर इस समय चंद्रपुर विधानसभा के साथ में अन्य जगह पर है, जैसा कि इस समय राजू अलोने, वैभव व्यारकर, साक्षी कुंडलकर और तरुण शेख सभी लोगों के साथ में, और साथ में हमारे सहयोगी जितने भी हैं, विकास मोरेवार, जितने भी लोग इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं तथा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं, सब आपको पूरी पल पल की जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए आपका अपना सिटी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में।